बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। तो हमें पता है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी भी गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगी उसकी स्पीड। जैसे कि हम मान लें कि एक कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है। इट मींस कि उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में, तो ये हो गई इसकी स्पीड। तो अगर हम इसका रिलेशन लेंगे तो स्पीड को हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी तरह से इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस भी और टाइम भी। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड की जो यूनिट है ये है मीटर पर सेकेंड, यानी हम डिस्टेंस को लेंगे मीटर में और टाइम को लेंगे सेकेंड्स में। स्पीड की जो यूनिट है ये है मीटर पर सेकेंड में। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसमें स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम क्या निकालेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम, इसी फॉर्मूले से हम तीनों चीज निकाल सकते हैं और तीनों चीज में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन है कि दिल्ली या फिर चंडीगढ़, तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ का डिस्टेंस अगर हमें दे रखा है मान लेते 250 किलोमीटर, तो हमें मिल गया डिस्टेंस। एंड इसके बाद में हमें कहा गया कि एक बस है जो कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक गई, यानी कि उसने 250 किलोमीटर कवर किया। उसको जो टाइम लगा ये लगा 5 आवर्स। तो एक बस थी दिल्ली से चंडीगढ़ तक गई, 5 घंटे के समय में उसने 250 किलोमीटर तय किया। अब हमें कहा गया कि उस बस की स्पीड कितनी रही होगी जो उसने 250 किलोमीटर 5 घंटे में कवर कर लिए। तो हमें सिंपली स्पीड का फॉर्मूला पता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें पता है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे 250 किलोमीटर अपॉन में 5 आवर्स में है, देन इसको हम लिख लेंगे, काट देंगे तो आ गया हमारे पास 50, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो स्पीड आ गई ये आ गई 50 किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं हमारे एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं या फिर बसेस हैं, इनको जो हम मेजर करते हैं ये करते हैं किलोमीटर पर आवर में, इनके लिए हम मीटर पर सेकंड यूज नहीं करेंगे। तो आंसर जो हमारे पास आगे आगे 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम एक ट्रेन ले लेते हैं, हम बात करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस की। तो पहले हम गए दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक, अब देखते हैं दिल्ली से लखनऊ तक। तो इनके बीच का जो हमें टाइम दे रखा है, अगर ये हमें दे रखा है 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं, और हमें इसकी स्पीड दे रखी है इस बार, स्पीड जो थी इसकी ये थी 80 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से लखनऊ गई, 6 घंटे के सफर में वो इस स्पीड से गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब न्यू दिल्ली से लेके आप लखनऊ तक का डिस्टेंस वो निकालेंगे नहीं। तो सिंपली अगर हमें दो चीजें पता हो, इस मामले में अगर हमें कोई भी दो चीजें पता होगी तो हम कोई भी तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा 6 आवर्स इंटू 80 किलोमीटर पर आवर, इससे हम डिस्टेंस निकाल देंगे, ये कट जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। तो न्यू दिल्ली से लेके लखनऊ तक का जो डिस्टेंस है वो है 480 किलोमीटर। तो आपने अगर कभी अपने व्हीकल्स में, कार्स में, बसेस में या फिर स्कूटर या बाइक्स में अगर आपने देखा हो तो आपके जो हैंडल होता है उसमें एक मीटर लगा होता है जो कि आपको बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये आपके व्हीकल्स में किलोमीटर पर आवर में जो है आपको स्पीड दिखाता है। बिल्कुल उसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो ऑडोमीटर होता है जो आपका
डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, वो आपको दिखाएगा किलोमीटर्स में। उसमें कुछ जो रीडिंग्स होती हैं, वो कुछ ऐसा सा बना होता है, यहाँ से आपको बढ़ रही होती है 0, 20, 40, 60, 80, 90 ऐसे करके बढ़ रही होती है, और यहाँ पर आपको जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे लिखा हुआ दिखाएगा। ये जो होता है इसको बोलते हैं ओडोमीटर, एंड जो स्पीड आपके दिखाते हैं किलोमीटर पर आवर में उसको बोलते हैं आप स्पीडोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जनरली स्पीडोमीटर ही जो है वो रीडिंग दिखाता है ओडोमीटर वाली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी और आने वाली अच्छी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।